गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2 रूट 3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन से छूता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। देखिए इसका जो होगा मतलब यदि हम इसको हम एक झटके में बनाना चाहें तो आप आराम से बना सकते हो कि एक पेड़ था और ये जमीन है, ये हमारा मान लिया जमीन है और ये हमारा पेड़ है, और पेड़ हवा के झोंके से क्या है टूट गया और टूट करके गिर जाता है। तो मान लिया जाए यहाँ से टूटा हो और ये टूटा हो तो ये वाला भाग जो है नीचे गिरेगा और ये गिरेगा, तो इस तरह से मान लिया गिरेगा। तो पेड़ का जो ऊंचाई होगा वो मान लिया ये एक्स था ये वाई था, मतलब पेड़ की जो ऊंचाई होगा वो एक्स प्लस वाई होगा, है। आंसर निकालना है तो चलो देखो कैसे जल्दी से आंसर निकलता है। ये डिग्री 60 दे रखा है और ये है 2 रूट 3, तो ये होगा 6 और ये होगा आपका 4 रूट 3, मतलब पेड़ की ऊंचाई होगा 6 प्लस 4 रूट 3। लेकिन आंसर निकालना आसान है बशर्ते इसके पीछे आप थोड़ा सा एक जो लॉजिक है वो समझ लो। तो चलो सबसे पहले हम इसका लॉजिक समझते हैं और फिर इसका हम क्या करेंगे आराम से आंसर निकालेंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपके पास यदि कंसेप्ट आपको आता है तो कंसेप्ट कहीं नहीं जाएगा। तो कभी भी दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है तो आपके पास यदि कहीं भी ऐसा दिया हुआ हो लंब तो हाइट एंड डिस्टेंस सारा मान लिया एक ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं और ये है एंगल 60 डिग्री, ये है एक्स। तो 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो रूट थ्री गुना होता है, मतलब ये होगा एक्स रूट थ्री, पहला कंसेप्ट ये आप याद रखिएगा। दूसरा कि यदि आपके पास ऐसा हो और ये मान लिया जाए 30 डिग्री है और ये है फिर से एक्स, तो 30 के सामने वाला जो भुजा होगा वो बटा रूट थ्री गुना होता है, मतलब ये होगा एक्स बटा रूट थ्री, ये बस मन में बैठा के रखे कि होता है। तीसरी बात इसमें आपको ध्यान देना है क्योंकि जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 30 और 60 पे बेस्ट पूछता है कि मान लिया जाए ये आपका 30 दिया है, तो जो एक तो हो गया हमने एक बार देखा क्या परपेंडिकुलर देखा, ये परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर था ये बेस है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है एंगल 30 हो एंगल 60 हो तो हम एक बार दोनों ही निकाल सकते हैं, आधार दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर दिया है तो आधार निकाल सकते हैं। तीसरी बात क्या है यदि 30 के सामने वाला भुजा दिया हुआ है x तो ये जो हाइपोटेनस होगा वो होगा 2x, मतलब कि कर्ण 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का दुगना होता है। ये तीन बात आपके दिमाग में है तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से बना देते हैं हम आपके लिए। क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि एक पेड़ जो था इतना ऊंचा था और क्या हुआ हवा के झोंके से ये टूट गया और टूट करके मान लिया जाए यहां से टूटा है तो टूट करके ऐसे गिरा। अब गिरा क्या तो 2√3 का डिस्टेंस पर और डिग्री बनाता है कितना 60। तो अब यदि इसको हम अप्लाई करें तो क्या होगा 60 के सामने वाला भुजा 60 के सामने वाला भुजा क्या होगा तो रूट थ्री गुना 2√3 में हम 3 से रूट थ्री से गुना करेंगे तो क्या आएगा ये आएगा 6। अब हमको निकालना था क्या कर्ण यदि निकल जाए तो ये वाला यदि 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 है हमारा। अब बताइए 30 के सामने वाले भुजा का क्या होता है दुगुना ये वाला कंसेप्ट, तो अब यहां से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4√3। अब पेड़ की ऊंचाई जो होगी पेड़ की ऊंचाई तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो क्या कहेगा कि ये वाला 6 और ये 4√3 ये दोनों का, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा टूटा है ये वाला जो हिस्सा टूटा है वही आकर के ये गिरा है तो ये दोनों का योगफल के बराबर होगा, मतलब पेड़ की ऊंचाई होगा 6 प्लस 4√3। जैसा ऑप्शन देता है वैसे आप इसको बदल करके लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।